नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, फ़िलहाल मैं आया हूं डाणे डोला में, जो लुवारू तहसील के पास स्थित है हरियाणा में। ठीक है, और यहां पर एक किसान हैं जो खेती के साथ साथ बकरी पालन कर रहे हैं। इन्होंने पहले खेती का काम शुरू किया था, पैतृक काम इनका खेती का है, लेकिन इन्होंने जो अभी फिलहाल फार्म खोल रहे हैं उन्हें को देख के ही किसी से सलाह लेके बकरी पालन की शुरुआत की है। तो हम इनसे जानेंगे कि बकरी पालन में इन्होंने अभी तक कैसा अनुभव किया है, कितने जानवरों से इन्होंने शुरू किया था, और जो बकरी पालन कर रहे हैं उसमें इनको कितना बेनिफिट हो रहा है, अभी तक इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। ये जो पालन कर रहे हैं काफ़ी युवा किसान हैं, और साथ साथ में ये बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि बकरी पालन में इनको कैसा अनुभव हुआ। आप वीडियो पूरा देखते रहें ताकि आपको जो जानकारी है वो अच्छे से मिल सके। इनके जो जानवर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ की लोकेशन प्रॉपर लोकेशन यहाँ की है, डोला डाणी। अच्छा, लुवारू के पास में। लुवारू के पास। तो आप बकरी पालन कितने सालों से कर रहे हो? मैं ये लगभग हो गए 2 साल। 2 साल। तो बकरी पालन की किस प्रकार सोची आपने? बस ये भाई साहब इनसे मिले था, रघुवीर जी से। रघुवीर जी से मिलकर आपने देखा, फिर उसके बाद में। अच्छा, और कितनी बकरियों से शुरू किया था आपने शुरू में? मैंने करा था ये लगभग 15। 15 बकरियों से। पहले वो दूसरे वाली थी। पहले कौन सी नस्ल शुरू की? सिरोही। सिरोही। अच्छा, वो कितना दिन रखी? वो रखी बस लगभग 7-8 दिन। अच्छा, फिर वो निकाल के दी? वो फिर इसमें मन हमारा ज्यादा वो लग गया। अच्छा, इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, तो आपने जब शुरू में शुरुआत की तो किस टाइप की बकरी ली थी, क्या बन ली थी आप, बच्ची कैसे? अच्छा, ब्याही हुई बच्ची ली थी। और ब्रीडर दो हैं आपके पास? अच्छा, तो सेल के लिए होगा एक तो? हाँ, एक सेल। अच्छा, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया शुरू में? शुरू में ये करा था लगभग 2 लाख के लगभग। और शेड में कितना लेगा? शेड शुरुआत में ये पक्का बनाया था? हाँ, शुरुआत में। अच्छा, और आपने 2 साल में लगभग सेल कितने की कर दी होगी? सेल तो मैंने कर दी होगी, ये बकरे वो बेच के लगभग कुछ बच्चे ले आया था मैं। हाँ, पहले ये। हाँ, अच्छा, तो वो बेच दिए थे लॉकडाउन में। अच्छा, और वो बकरी लगभग मान लो आप 3-4 के बीच में। जो खर्चा आपने शुरू में लगाया था वो निकाल लिया लगभग? हाँ, लगभग। अब आपका फार्म है वो? हाँ, मतलब अच्छे से रन मान लो आपना सही है, ये बचत सारी बच्ची ले आया था। अच्छा, अभी ये सब ब्याने वाली है? हाँ, अभी ये ब्याने। अच्छा, तो बकरी पालन आपका कैसा लगा आपको ये बिजनेस? ठीक है, अच्छा है ये। कोई बंदा बाहर अगर नौकरी करे 10-15 हज़ार में, उससे ठीक है? उससे तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बाहर जिस मानस के लिए अगर और धंधा नहीं है ना, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप साथ में खेती भी करते हो? हाँ, खेती भी करते हैं। और घुमा के भी लाते हो उनको? घुमा के तो आप तो नहीं लाते, अपना बीच में या हमारा 1-2 बंदा। अच्छा, और खर्चा कितना हो जाता है लगभग आपके पास? अभी फिलहाल 20 जानवर हो गए। 20 जानवरों का खर्चा कितना जाता आपका साल का? खर्चा तो अभी ये हो जाता भाई साहब, इतना मेरा जो इनका सारा तोरा है वो मेरे खेत में बन गया है। अच्छा, ये हो गया। और दवाई वगैरह का खर्चा? दवाई वगैरह का तो कोई, ये आपने 2 बार वो कर देते हैं। अच्छा, वो सरकारी हॉस्पिटल में से लेते हो या वैसे? सरकारी मिल जाए। और खुद ही कर लेते हो वैक्सीन वगैरह? ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी आपने कहीं से? ट्रेनिंग तो नहीं ली, बस इनसे मैं तो आस्ता इनसे सीख गया। अच्छा, लगभग। और इनकी मार्केटिंग कहाँ करते हो? मार्केटिंग अभी तो ये है भाई साहब के पास चल रहा है, रघुवीर जी का ना? हाँ, रघुवीर जी के पास। अच्छा, हाँ। और ईद के ऊपर भी कोई बच्चा सेल करे थे अभी फिलहाल? ईद के ऊपर पिछले उसमें करे। अच्छा, हाँ। अब की बात तो नहीं है। और दाना वगैरह भी दो इन्हें? हाँ, दाना दे देते हैं तो जो बहने वाली बकरी है उनको। हाँ, सारा को दे दिया थोड़ा। अच्छा, और अभी पीछे बरसात का मौसम गया, उसमें कोई दिक्कत हुई कोई पशु को? और सर्दी में? सर्दी में भी नहीं आई, सर्दी में ये हमारा सर्दी का बताओ।
बच्चे जितने मतलब जैसे आपके साल में 20 बच्चे मानो बकरी की लाती है, तो 20 के पास जीवित रह जाते हैं? हाँ, बच्चे अभी मेरे पास नहीं। कोई नुकसान नहीं हुआ बच्चों का? थोड़ा है नहीं हुआ उसका, 10-15 दिन हमारा वो अगर केयर ज्यादा करने दे, ज्यादा ना चुंग जा। अच्छा, हाँ ये है, यानी कि 10 दिन तक तो उसको हिसाब से चुंगा। ये कुछ लोग जितना फार्म खुल रहे हैं अब फिलहाल उनमें सादा बंद हो रहे हैं, वो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कुछ तो वर्क करा पर डिपेंड रह जाए और खुद केयर नहीं करे, चाहे बंदा छोड़ दो, जब तक खुद एक दो टाइम नहीं संभालेगा ना इतना तो नहीं होगा। अच्छा, मतलब खुद ने काम करना जरूरी है, दो बार चाहिए आध घंटा एक बार आगे संभाल। अच्छा, वैसे मेरे पास भी एक बंदा ही है, हमें सुबह शाम मैं संभालो हम। अच्छा, खुद संभालते हो? जैसे कोई ये कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो रहा है इस तरह नियम रहा एक बार नजर मार। अच्छा, बीमार बकरी की पहचान हो जाती है अपने आप आराम से, और वैक्सीनेशन वगैरह खुद कर ले हो? हाँ, वो कर ले। अच्छा, ये है अगर 1-1.5 साल में जान होने लग जाए। जैसे कमाई कितना दिन में दे दे बकरी? जैसे फिलहाल ये मानो कोई बंदा 10 बकरी लाए हो, तो उसका 1-1.5 साल तो कमाई नहीं होगी, 1-1.5 साल उसने धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य तो वैसे तो मेरे मानो तो 3 साल तक अगर जो बंदा सही रहेगा धैर्य रखे, वो उसके बाद में वो फार्म बंद। अच्छा, और एक कुछ जैसे मतलब आजकल के है, किसी ने बता रहा है जैसे फिलहाल मैं भी आपके फार्म पर आया हूँ, वहाँ पर घूमू की भाई उस बंदे के 40,000 की बकरी, उसके 50 की है, लेकिन अपना गाँव में पहले देसी रखा करता 5,000, 7,000, 10,000, तो वह लोगों का जसरी कौन है? और फिर कोई नया फार्म कराया तो वो अड़की बकरी या अजमेर आसपास का जाके तोल कब आओगी, और फिर वो फार्म फैल हो जाए, तो उनका भी आपको कहना चाहोगा कि इसके बारे में भी? बस कहना तो ये भी यही है, ये भी पड़ोसी ये लाए है, पर उसमें वो ना तो देसी ना और कुछ है, कोई न्यू मिक्स सौदा हो कि वो तो इसमें हो, आप 4-5 कम लिया तो वो बढ़िया। अच्छा, जानवर कम लिया हो जाए, बढ़िया लाओ, बढ़िया लाओ, क्योंकि आगे मार्केट भी बना है और पशु बीमार भी नहीं हो। अच्छा, और बीमार वाला तो ये हमारा है, केयर रख ले, बीमार नहीं हो। नहीं, केयर भी जैसे तोल के भाव का ले आऊंगा तो वो उसका क्या पता वो बीमार ही पाओगा। ये तो है भाई, आपका नहीं मानो भाई, बढ़िया बकरी है, बढ़िया बच्चे दे रही है, स्वस्थ है, तो आप उसने कटू के भाव थोड़ी दोगे, उसने तो आप नग के हिसाब से दोगे अच्छी कीमत में, और इसी प्रकार वो फिर आगे बच्चा ले आओगे, बच्चा भी अच्छा सेल होगा। हाँ, वो फिर बिजनेस ने खराब बताऊंगा, वही बकरी पालन करे मैंने, बकरी में कमी पहली हो है। हाँ, फिर वो बीमार हो तो होएगी। अच्छा, हाँ, अबे ये भी है ना, जैसे एक गांव में मतलब आपने बकरी फार्म करे हो, तो और जैसे मेरे वर्गा 15 भाई वेट करेंगे कि भाई यो बंदो सक्सेस हो या फेल हो है, बिल्कुल है, फिर आप ही शुरू करांगा। हाँ, ऐसे तो गांव के कई गाँव है, कुछ है, फिर वो हिम्मत ये रह गया करो, एक बार 10-15 से शुरू करो। हाँ भाई, कोई बंदो नयो करे वो फैल हो जाए, फिर गांव में नेगेटिव थिंकिंग भी जा है। ये भी है, मैं तो ये करो 10-15 चीज ले आओ, बढ़िया ले आओ। हाँ, शुरू में इन्वेस्टमेंट कम लिया हो भाई, 20 जानवर ले आओ, 10 लिया हुआ है, लेकिन बढ़िया ले आओ ताकि फायदा हो। और लोन वगैरह भी मिल जाए स्क्रीन के ऊपर? वैसे तो ये गवर्नमेंट की तरफ से तो मिला है वो। अच्छा, 1.5 लाख आपने करे अप्लाई? मैंने नहीं किया। अच्छा, तो वैसे आपकी नजर में ठीक है बिजनेस, जो कोई बंदो करना चाहो तो? जिस बंदे के पास काम नहीं है ना, उसके लिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, 10 बकरे हम आराम से अपना, हाँ आराम से 3-4 लाख रुपए साल के बचा सके। हाँ, अगर यूं मान लो और 2 साल निकाल देगा उसके बाद। अच्छा, आपके पास ये हैदराबादी क्रॉस की है सारी, है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद।